मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अनुष्का शेट्टी दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस हैं। अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में डेब्यू करने वाली थी, लेकिन आर्थिक असमिति की वजह से बात नहीं बनी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा था, हर चीज सही समय पर होती है। बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषा दर्शक उन्हें बाहुबली के दोनों पार्ट में देख चुके हैं। देवसेना के तौर पर एक्ट्रेस को लोगों से काफी प्यार भी मिला था। हालांकि फिल्म को ओरिजिनली तेलुगु में बनाया गया था और हिंदी में डब किया गया था। इसके अलावा वो अपनी अगली फिल्म प्रभास के साथ ही साहू कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुष्का एक पूरी हिंदी फिल्म करने वाली हैं। अनुष्का और प्रभास अपनी बॉलीवुड फिल्म के लिए हिंदी भाषा सीख रहे हैं और इसके अलावा बाहुबली के अपने कॉस्ट्यूम से इतर दोनों अर्बन शीक लुक में नजर आएंगे। एक सूत्र ने बताया, उनकी केमिस्ट्री काफी सिजलिंग है। साहू में दोनों स्टार रोमांस करते हुए नजर आएंगे। दोनों स्टार्स को अपना वजन कम करने के लिए कहा गया है ताकि वो शेप में आकर कूल कपड़े जैसे कि लेदर जीन्स और बीच वेयर पहन सकें। फिल्म में वो एक ऐसे युवा शख्स का किरदार निभाएंगे जो परिस्थितिवश संकट में फंस जाते हैं। बता दूं कि प्रभास और अनुष्का हालांकि पहले भी तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन बाहुबली के बाद पूरे देश में वो सुर्खियां बना चुके हैं। 5 साल तक चली बाहुबली फिल्म की शूटिंग के कारण पूरी स्टार कास्ट में आपस में बेहद गहरे रिश्ते बन गए हैं। कई इंटरव्यू में फिल्म की कास्ट ने एक दूसरे के प्रति अपने लगाव की बात भी कही है। इस तरह के इंटरव्यू में जब अनुष्का से पूछा गया कि उन्हें प्रभास और राणा दग्गुबाती में से ज्यादा सेक्सी कौन लगता है, तो देवसेना बनी अनुष्का ने ऑन स्क्रीन बाहुबली प्रभास का ही नाम लिया। अनुष्का ने राणा को अपने ब्रो यानी कि ब्रदर मतलब भाई बताया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राणा उन्हें ब्रो कहते हैं और वो राणा को। SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 बॉक्स ऑफिस पर लगभग सारे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।